टेक स्टडी चैनल पर स्वागत है आप सभी का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस इस ट्रेड से हैं तो ये आपके थ्योरी के लिए एक मॉडल पेपर है जो कि आपके एन सी टी टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन सेकेंड ईयर सी बी टी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस को हमने आपके सिलेबस से चूज किया इस वीडियो में तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे कि जो भी नई वीडियो आए उसका अपडेट और आई की सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे साथ ही यहाँ आई बटन पर हमने एक लिंक दे दिया होगा जो कि पहले के मॉडल पेपर हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के जिसको कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के बच्चे भी ट्रेनिंग भी देख सकते हैं उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं उस क्वेश्चनस वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल पेपर वन टू और थ्री तीनों का लिंक हमने यहाँ पे दे दिया है तो आइए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप ठीक है जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है उसका क्या एडवांटेज है क्या फ़ायदा है प्रोसेस सिग्नल्स इन एनॉलॉग फॉर्मेट यह सिग्नल को एनालॉग फॉर्मेट में प्रोसेस करता है मेक मेजरमेंट ऑफ डिजिटल डेटा डिजिटल डेटा को मेजर करता है मापन करता है स्टोर्स डिजिटल डेटा फॉर लेटर व्यूम ठीक है या इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स अक्रॉस द स्क्रीन राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे हिंदी वाला पार्ट थोड़ा गलत हो गया इसको आप इग्नोर करिएगा स्टोर्स डिजिटल डेटा फॉर लेटर व्यूइंग ठीक है डिजिटल डेटा को स्टोर करता है जिसको आप बाद में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दो है वाट इज द नेम ऑफ वेब फॉर्म डिस्प्लेड ऑन द डीएसओ स्क्रीन ये आपका जो डी स्क्रीन है ठीक है इस पर आपको बताना है कि ये जो वेब फार्म है ये क्या है तो इस वेब फॉर्म को हम बोलते हैं इस वेब फॉर्म को हम बोलते हैं रिंगिंग वेब फॉर्म ठीक है ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी रिंगिंग वेब फॉर्म क्वेश्चन थ्री है हाउ द डिजिटल इनपुट इक्विपमेंट्स ठीक है डिजिटल इक्विपमेंट्स वर्क्स विद द इनपुट वोल्टेज सैम्पल्स जो इनपुट वोल्टेज सैम्पल्स के साथ जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं वो कैसे काम करता है तो जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं वो इनपुट वोल्टेज uh, के साथ कन्वर्ट इट टू बाइनरी नंबर्स उनका काम होता है जो इनपुट वोल्टेज है उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना क्वेश्चन नंबर फोर है हाउ डज द डिस् डिसोल्डरिंग ब्रेड रिमूव्स द मोल्ट सोल्डर फ्रॉम द जॉइंट ऑन द पीसीबी पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ठीक है डिसोल्डरिंग ब्रेड जो है पीसीबी पर जोर से पिघला हुआ फ्लक्स कैसे निकालता है बाय कैपिलरी एक्शन बाय हीटिंग द ज्वाइंट बाई हार्डनिंग द शोल्डर या बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बाई कैपिलरी एक्शन क्वेश्चन नंबर फाइव है वॉट इज द नेम ऑफ एसएमडी टूल ये एसएमडी टूल यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इसका आपको नाम बताना है इसका नाम क्या है तो इसका नाम होता है आपका हीटेड ट्विजर्स यानी गर्म चिमटी बोलते हैं हम इसको कुछ बस सीखते है व्हाइच व्इच एस आई सी नीड्स लीड फॉर्मिंग इक्विपमेंट टू कट एंड बेंट इन टू गल बिंग टाइप ठीक है यहाँ पे है कौन सी असेंबली एम आई सी जो गुल बिंग टाइप है सॉरी गुल बिंग टाइप है उसमें कटौती और उसको बेंड करने के लिए आवश्यक होती है ठीक है किस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है फ्लैट पैकेज उसको हम बोलते हैं फ्लैट पैकेज क्वेश्चन नंबर सेवन है हुईज प्रोटेक्टिव केमिकल कोटिंग इज अप्लाइड ऑन द पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उस पर कौन सा प्रोटेक्टिव केमिकल कोटिंग जो है अप्लाई किया जाता है सेलेक्ट पी कोटिंग एनेमल वार्निस या पॉलीमर फिल्म कोटिंग राइट आंसर आपका ऑप्शन डी पॉलीमर फिल्म कोटिंग क्वेश्चन नंबर एट है हुइच इज द सेकेंड स्टेज इन द री सोल्डरिंग प्रोसेस जो री सोल्डरिंग प्रोसेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये उसमें सेकेंड स्टेज यानी दूसरा चरण क्या होता है रिफ्लो जोन कूलिंग जोन प्री हीट जोन या थर्मल सोक जोन राइट आंसर आपका ऑप्शन डी थर्मल सोक जोन क्वेश्चन नाइन है व्हाट इज द कूलिंग व्हाट इज द कूलिंग रेट सजेस्टेड फॉर रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस जो रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस है उसमें कूलिंग रेट हम क्या रखते हैं या क्या सजेस्ट की जाती है तो वो होती है आपकी फोर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड ठीक है ऑप्शन आपका बी फोर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड

यहाँ पे पूछ रहा है जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको डिसकनेक्ट करने के लिए किस फोर्स का हम उपयोग करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में ठीक तो यहाँ पे आपका राइट right आंसर होगा वो फोर्स होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल यानी अभिकेंद्रीय बल क्वेश्चन नंबर इज द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज इन कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन में ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज यानी ऑडिबल आवृत्ति का रेंज कितना होता है कितना होता है राइट right आंसर आपका ऑप्शन ए ट्वेंटी हर्ड्स टू ट्वेंटी किलो हर्ट्स ठीक बीस हर्ड्स से बीस किलो हर्ट्स तक क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है व्हाट इज़ द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ कैटेगरी फोर ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल कैटेगरी फोर की ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल की जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो कितनी होती है तो वो होती है आपकी सिक्सटीन एम बी पी एस सिक्सटीन मेगाबाइट पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है वट इज़ द एडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड कॉपर वायर इन सिंगल ट्रांसमिशन एक सिंगल ट्रांसमिशन में ट्विस्टेड कॉपर वायर का क्या एडवांटेज है कैरी वाइड बैंड सिग्नल या इनक्रीज सिग्नल इमिशंस राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रिड्यूस क्रॉस स्टॉक जो क्रॉस स्टॉक है उसको वो कम करता है वट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इन द इनवेल डिटेक्टर सर्किट एक इनवेलप डिटेक्टर सर्किट में ई डी एस में जो कैपेसिटर है उसका क्या काम होता है डिटेक्ट द सिग्नल स्टोर्स द सिग्नल अपोजिट द सिग्नल या ग्राउंड द सिग्नल राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी स्टोर द सिग्नल कैपेसिटर काम होता है संकेतों को सिग्नल को क्या करना स्टोर करना क्वेश्चन नंबर एटीन हाउ द इमेज फ्रिक्वेंसी इज प्रिवेंटेड इन रेडियो रिसीवर सर्किट एक जो रेडियो रिसीवर सर्किट है उसमें जो इमेज फ्रिक्वेंसी है उसको हम कैसे रोका रोकते हैं कैसे प्रिवेंट करते हैं इनवेलब डिटेक्टर से मोर आई एफ एम्पलीफायर से लो नॉइज ऑडियो एम्पलीफायर से या हाईली सेलेक्टिव आर एफ एम्प्लीफायर से राइट right आंसर आपका ऑप्शन डी हाईली सेलेक्टिव आर एफ एम्पलीफायर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन आर टी डी यूज एज अ सेंसर आर टी डी जो कि एक सेंसर है उसका पूरा नाम आपको बताना है तो आर टी डी का फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्शन डी रजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर रजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर क्वेश्चन ट्वेंटी है हुच टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर यूज़ टू कैरी टेलीफोन एंड टेलीविजन सिग्नल्स ठीक कौन से टाइप के ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टेलीफोन और टेलीविजन सिग्नल्स को कैरी करने के लिए यूज किए जाते हैं तो हमेशा यहाँ पे आप याद रखिएगा वो होते हैं सिंगल मोड फाइबर जो टेलीफोन और टेलीविजन सिग्नल्स को कैरी करते हैं उनको हम बोलते हैं सिंगल मोड फाइबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है हुइच ऑप्टिकल फाइबर इज़ बेस्ट सूटेड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क अपल्लीकेशन ठीक लोकल एरिया नेटवर्क अपल्लीकेशन के लिए किस तरह का ऑप्टिकल फाइबर आपका बेस्ट सुटेबल होगा तो बेस्ट सूट करता हुआ fiber, D, है वो आपका ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर ऑप्शन डी ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिग्नल फॉर्मेट इज यूज इन डिजिटल पैनल मीटर टू डिस्प्ले द इनपुट इन्फॉर्मेशन ठीक इसमें से कौन सा इनपुट इन्फॉर्मेशन को प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल पैनल मीटर में किस तरह का सिग्नल फॉर्मेट हम यूज करते हैं तो वो होता है आपका हमेशा न्यूमेरिक फॉर्मेट न्यूमेरिक फॉर्मेट ऑप्शन सी न्यूमेरिक फॉर्मेट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री है वो डिवाइस कन्वर्ट्स वन टाइप ऑफ डिजिटल फॉर्मेट इनटू अनदर डिजिटल फॉर्मेट कौन सी डिवाइस जो है एक तरह के डिजिटल फॉर्मेट को दूसरी तरह के डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है ठीक उसको हम बोलते हैं डिस्प्ले डिकोडर ठीक ऑप्शन ए डिस्प्ले डिक, डिकोडर क्वेश्चन ट्वेंटी फोर है वट इज़ अ रिक्वायर्ड करंट टू ग्लो द एल ई डी इन ईच सेगमेंट ऑफ सेवन सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस एक सेगम सेवन सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस के प्रत्येक सेगमेंट में एल ई डी को ग्लो करने के लिए कितने करंट चाहिए होगा या कितना करंट चाहिए तो वो होता है आपका ऑप्शन बी ट्वेंटी मिली एम्स मिली एमपियर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव और विच मीटर मेजर्स आल इनपुट वोल्टेज स्केल डाउन इन डिस्क्रिक डिस्टेप्स टू मैच द फुल काउंट रेंज ठीक है पूरी काउंटिंग uh, करनी हो हमको पूरी काउंटिंग करनी हो अगर तो उसके लिए हम कौन सा मीटर इनपुट वोल्टेज को घटते चरण में मापने के लिए करेंगे ठीक है जो डिक्रीजिंग फॉर्मेट में होगा डिक्रीजिंग uh, उसमें होगा स्टेप्स में उसको हम नापने के लिए किस मीटर का यूज़ करेंगे एनालॉग मल्टीमीटर डिजिटल पैनल मीटर मूविंग आयरन मीटर या थर्मोकपल मीटर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिजिटल पैनल मीटर क्वेश्चन टर्टी सिक्स वाट इज़ द नेम ऑफ द फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप एस एम पी एस एस एम पी एस स्विच मोड पावर सप्लाई होता है तो फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप एस एम पी एस का नाम क्या होता है तो उसको हम बोलते हैं हमेशा डी सी टू डी सी बल बक कन्वर्टर ठीक है डी सी टू डी सी बक कन्वर्टर क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन वट इज एफिशिएंसी ऑफ लीनियर पावर सप्लाई तो लीनियर पावर सप्लाई उसकी इफिशियंसी कितनी होती है तो लीनियर पावर सप्लाई की इफिंसी होती है आपकी तीस से चालीस प्रतिशत थर्टी परसेंट टू फोर्टी परसेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हैच टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज टू सप्लाई पावर फ्रॉम एस एम पी एस टू द कंप्यूटर मदर बोर्ड एस एम पी एस से कंप्यूटर मदर बोर्ड को पावर की सप्लाई करने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का हम यूज़ करते हैं तो वो कनेक्टर होता है आपका ट्वेंटी अब्लिक ट्वेंटी फोर मोलेक्स कनेक्टर ट्वेंटी बाई ट्वेंटी फोर मोलेक्स कनेक्टर का हम यूज़ करते हैं एस एम पी एस से कंप्यूटर के मदरबोर्ड को पावर देने के लिए कुछ नंबर ट्वेंटी नाइन है हुई इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रियल पावर टू द अपेरेंट पावर ठीक कौन सा स्पष्ट शक्ति जो रियल पावर है का अपेरेंट यानी वास्तविक शक्ति के अनुपात के बराबर होता है ठीक तो वो होता है आपका पावर फैक्टर पावर फैक्टर जो है वो रियल पावर और अपेरेंट पावर के रेशियो को हम पावर फैक्टर कहते हैं क्वेश्चन तो नंबर थर्टी है वाट इज द नेम ऑफ द पी एस पी वी सिस्टम ये सिस्टम आपको देखना है ऐसे इमेज वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं इसको आपको देख के बताना है कि किस तरह का एस पी वी सिस्टम है तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम ग्रिड से जुड़ा हुआ सिस्टम क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है वाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीवियसन टी एफ एस सी टी एफ एस सी का आपको फुल फॉर्म बताना है तो टी एफ एस सी का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म सोलर सेल ठीक है राइट right आंसर आपका ऑप्शन ए थिन फिल्म सोलर सेल एक पतली फिल्म की सोलर सेल होती है उसको हम बोलते हैं टी एफ एस सी कुछ में थर्टी टू एच एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम सनलाइट बाय द फोटोवोल्टाइक मटेरियल जो फोटोवोल्टिक मटेरियल -like होता है उससे जो सनलाइट होती है उसको हम किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी ठीक है राइट right आंसर आपका ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्वेश्चन थर्टी थ्री हुई सिस्टम इज डिजाइन टू ऑपरेट इन पैरल एंड इंटर कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक यूटिलिटी ग्रिड ठीक इलेक्ट्रिक यूटिलिटी ग्रिड के पैरल यानी समांतर और इंटरकनेक्टेड uh, यानी आपस में संचालित होने के लिए कौन सा प्रणाली यानी कौन सा सिस्टम जो है तैयार किया गया है कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है ऑफ ग्रिड सिस्टम ग्रिड टाइड सिस्टम स्पेसिफिक लोड सिस्टम या हायर कैपेसिटी यूटिलिटी सिस्टम राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ग्रिड टाइड सिस्टम क्वेश्चन थर्टी फोर है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ़ द एब्रीविएशन एन एस एस यूज इन जी एस एम आर्किटेक्चर जी एस एम आर्किटेक्चर में उपयोग किए जाने वाले एन एस एस का संक्षिप्त रूप क्या है तो एन एस एस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम ऑप्शन बी नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम कुछ नंबर थर्टी फाइव है इज़ द पर्पज़ ऑफ़ इनकोडर इन सी डी एम ए सिस्टम जो सी डी एम ए सिस्टम है उसमें इनकोडर का क्या परपज़ होता है टू रिड्यूस बैंड बिथ टू मैनेज आर एफ ट्रांसमिशन टू बिल्ड रिबन रिडनडेंसी इनटू द सिग्नल या टू मैनेज द स्विचिंग फंक्शन तो सी डी में जो आपका एनकोडर है उसका काम होता है टू बिल्ड रिडनडेंसी इनटू द सिग्नल सिग्नल में अतिरेक का निर्माण करना कुछ हमें थर्टी सिक्स के वाट इज द टेम्परेचर सेटिंग इन सोल्डरिंग स्टेशन टू सर्विस द वाटर डैमेज मोबाइल फ़ोन अगर एक पानी से क्षतिग्रस्त हुआ मोबाइल फ़ोन हो तो उसकी मरम्मत के लिए टाँका लगाने वाले स्टेशन में तापमान सेटिंग क्या होगी सोल्डरिंग के लिए तो वो तापमान की सेटिंग होगी आपकी टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन थर्टी सेवन व्हाट इज द रेट ऑफ लाइट ट्रांसमिशन ऑफ एक्रिलिक डिफ्यूजर प्लेट एक एक्रीलिक डिफ्यूजर प्लेट के लाइट ट्रांसमिशन की रेट क्या होती है तो वो होती है आपकी पॉइंट नाइन टू क्वेश्चन थर्टी एट है हाउ टू इम्प्रूव द लाइफ स्पैन ऑफ हाई पावर एल एक हाई पावर एल के जीवन काल में आप लाइफ स्पैन में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कैसे सुधार कर सकते हैं रिड्यूस द कंडक्शन टाइम रिमूव एक्सेस हीट फ्रॉम लाइट डिसिपेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी या इंक्रीज द साइज एंड शेप ऑफ लाइट राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रिमूव एक्सेस हीट फ्रॉम सनलाइट सॉरी लाइट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है विच पैरामीटर इज रिलेटेड टू पावर लॉस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पावर लॉस के लिए कौन सा पैरामीटर ज़्यादा संबद्ध रखता है रिलेटेड होता है मॉडुलेशन एटनुएसन या डिकपलिंग या एम्पलीफिकेशन राइट आंसर आपका ऑप्शन बी एटनुएसन यानी छीडन जो होता है वो उससे हमारा पावर लॉस होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी है विच माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन कॉन्सिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसपोर्डर्स ट्रांसपोर्डर्स एंड रिपीटर्स ठीक किस माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन में बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्डर और रिपीटर्स हैं तो वो होता है आपका सेटेलाइट यानी उपग्रह ये चालीस क्वेश्चन थे आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मैकेनिक कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस थ्योरी के तो अगर आप सेकेंड ईयर में और आप सी एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल भी होंगे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी रिलेटेड वीडियोज सभी ट्रेड्स की साथ में आई के अपडेट्स और जॉब की इन्फॉर्मेशंस वो सब आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें थैंक यू